हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक? आज बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है, कल के ओवरनाइट स्कोर 233 पर 6 पर भारत ने स्टार्ट किया जब अश्विन और शाह क्रीज पर थे, लेकिन पहले ही ओवर में कमिंस ने अश्विन को आउट कर दिया और अगले ही ओवर में शाह भी आउट हो गए स्टार्क की गेंद पर और धीरे धीरे हमारी टेल भी आउट हो गई और भारत ने कुल टोटल 244 रन ही बना पाई, जो हम लोगों को उम्मीद था कि भारत किसी तरह 300 के आंकड़े को छू लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरी तो हमारे पेसर्स बुमराह, शमी और उमेश ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, उनको हिलने तक नहीं दिया। ऐसा स्कोर हो गया था कि जब 14 ओवर में मात्र 16 रन थे तभी जो है बुमराह ने ओपनर वेड को आउट किया और कुछ ही देर बाद दूसरे ओपनर जो बर्न्स को भी आउट कर दिया LBW, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक था ऑस्ट्रेलिया के लिए। तीनों पेसर्स की अच्छी गेंदबाजी और बुमराह के दो जल्दी विकेट के चलते ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर आ गया था और अब क्रीज पे थे ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और लबुशेन। ऐसा लग रहा था कि दोनों अच्छी पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन अश्विन ने स्टीव स्मिथ को एक के स्कोर पर ही आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही नीचे लगा दिया। अश्विन ने आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन जो 3 बल्लेबाज थे, उनकी विकेटें लेकर ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही नीचे लगा दिया। अश्विन समेत भारत के सभी बॉलरों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही जल्द समेट दिया। और शमी ने विकेटें नहीं ली, बुमराह ने विकेटें ली, उमेश ने विकेटें ली और अश्विन ने तो 4 विकेटें ली। सभी ने अच्छी गेंदबाजी की। गेंदबाजी अच्छी तो हो रही थी लेकिन भारत के फील्डर बॉलरों का साथ नहीं दे रहे थे, कैच पे कैच टपकाए जा रहे थे। 5-6 कैच भारत के फील्डरों ने छोड़ा, जो कि अच्छी साइन नहीं है। ड्रॉप कैचेस के बावजूद भारत की बॉलिंग तो अच्छी ही थी और भारत ने बहुत ही जल्द ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया 191 रन पे और भारत ने 53 रनों की लीड ले ली, जो कि इस लो स्कोरिंग गेम में बहुत ही वाइटल हो सकता है आगे के लिए। आधे घंटे का खेल बचा हुआ था और भारत को किसी तरह से सर्वाइव करना था, लेकिन पृथ्वी शॉ जो कि बुरे फॉर्म में चल रहे हैं उनको इस बार कमिंस ने उसी तरह बोल्ड कर दिया। फिर बैटिंग करने आए जसप्रीत बुमराह क्रीज पर नाइट वॉचमैन के रूप में। उन्होंने बड़ा अच्छा बैटिंग का डिस्प्ले किया और भारत की कोई भी विकेट आगे गिरने नहीं दिया। भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 9 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि पृथ्वी शॉ का था। यहाँ पर देखा जाए तो भारत के हाथ में मैच है, अगर वो किसी तरीके से 300 आंकड़े को लीड समेत जोड़ देता है तो भारत एक अच्छी पोजीशन में होगा और पहला टेस्ट जीतकर भारत 1-0 की लीड के साथ दूसरे टेस्ट में जाएगा। अब बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले T20 मैच की, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान की शुरुआत बहुत ही ख़राब रही और उसके 20 रन पर 4 विकेट गिर गए। ऐसा लगा कि पाकिस्तान 100 रन भी नहीं बना पाएगा, लेकिन शादाब खान जो कि कप्तान थे, फहीम अशरफ ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी की, छक्के मारे। टेल एंडर्स ने भी छक्के मारे और 153 रन के रिस्पेक्टेबल टोटल तक पाकिस्तान पहुंच गया। ऐसा लगा कि पाकिस्तान अगर अच्छी बॉलिंग करेगा तो ये मैच बचा सकता है। जवाब में बल्लेबाजी करने आई न्यूजीलैंड की भी शुरुआत ख़राब रही। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने शुरुआती विकेट ले लिए। ऐसा लगा न्यूजीलैंड ये चेस नहीं कर पाएगा, लेकिन फिलिप्स, साइफर्ट और चैपमैन ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की और इस स्कोर को 18.5 ओवर में ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान की फील्डिंग आज काफ़ी ख़राब रही। शादाब के कैच को छोड़ दिया जाए तो कैचेस की वजह से ही पाकिस्तान ने ये मैच लूज़ किया, नहीं तो शायद ये और भी क्लोज हो सकता था। न्यूजीलैंड 1-0 के साथ लीड के साथ अगले मैच में उतरेगा। अब देखना है कि पाकिस्तान क्या वापसी कर पाता है कि नहीं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सभी मैच के रिव्यू के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।